नमस्ते सुप्रभातम बच्चे, मैं आज 10 क्लास के विद्यार्थियों को नेताजी का चश्मा जो पाठ 10 है उसको बताने जा रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुने। नेताजी का चश्मा हिंदी साहित्य के खड़ी बोली के कहानीकार श्याम प्रकाश द्वारा विरचित कहानी है। इस कहानी में बताया गया है कि किस प्रकार से देश के गुमनाम करोड़ों नागरिकों ने योगदान दिया है एवं किस प्रकार से देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से बड़ों एवं छोटों के साथ रहकर अपनी देशभक्ति को दर्शाया है। कहानी इस ओर संकेत करती है। यह कहानी एक छोटे से कस्बे की कहानी है। इस कस्बे की नगरपालिका की उत्साही प्रशासनिक अधिकारी ने कस्बे के मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा बना दिया था, जिसका कथानक इसी प्रतिमा के इर्द गिर्द घूमता प्रतीत होता है। इस प्रतिमा को बनाने में राजनीतिक एवं प्रशासनिक अधिकारी के अलावा हाई स्कूल के ड्राइविंग मास्टर मोतीलाल जी को सौंपा गया था, जिन्होंने एक महीने के भीतर मूर्ति बनाने का विश्वास दिया। लेकिन जब वह मूर्ति बनाया तो लोग कहने लगे कि यह मूर्तिकार का सफल प्रयास है। इसके बाद कहानीकार मूर्ति की बनावट एवं सुंदरता का वर्णन करते हुए बता रहा है कि यह मूर्ति 2 फुट ऊंची थी, जो बहुत ही सुंदर लग रही थी। मूर्ति को देखते ही उनके नारे याद आने लगते थे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी के मूर्ति में एक ही चीज की कमी थी कि उनकी आंखों पर संगमरमर का चश्मा नहीं लगा था। हल्दार साहब कंपनी के काम से उसी कस्बे से होकर गुजरा करते थे। इस कस्बे से गुजरते हुए वे हमेशा पान खाने के लिए उस चौराहे पर रुका करते थे। कभी अचानक नज़र मूर्ति पर पड़ती थी, वे देखा करते थे कि मूर्ति संगमरमर की थी और चश्मा जो है वह असलियत था। हल्दार साहब को वहाँ के लोगों की देशभक्ति की भावना अच्छी लगी। कहानीकार ने व्यंग्यपूर्ण रूप में कहता है कि आज के समाज के लिए देशभक्ति मजाकपूर्ण हो रही है। हल्दार साहब जब भी चौराहे पर पान खाने के लिए ठहरते हैं तो उन्हें चश्मा का फ्रेम बदला हुआ दिखाई देता है। कभी गोला फ्रेम वाला
तो कभी मोटा फ्रेम वाला, तो कभी चौड़ा फ्रेम वाला। लेकिन जब हलदार साहब से न रहा गया तो उन्होंने चश्मे को बदलने का कारण पूछा। इस पर पान वाले ने हंसकर बताया कि कैप्टन साहब चश्मा वाला चश्मे को नित प्रतिदिन बदल देता है। हलदार साहब को समझ में आ गया कि एक कैप्टन चश्मा वाला ही हमेशा जो है इस फ्रेम को बदलता है, क्योंकि बिना चश्मा का वह मूर्ति सुंदर नहीं मालूम हो रही थी। यदि कोई चश्मा का फ्रेम में मांगता था तो उसे उतार कर लगा देता था, और वहाँ पर दूसरा फ्रेम वाला चश्मा लगा देता था। हलदार साहब को यह सब विचित्र लग रहा था। एक दिन हलदार साहब ने पान वाले से पूछा, क्या कैप्टन वाला नेताजी का चश्मा नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है? इस पर पान वाला हंसते हुए बोला, वह तो लंगड़ा है, पागल है। वह देखिए, वह पागल आ रहा है। पान वाले ने इशारा किया। पान वाले की यह बात हलदार साहब को ठीक नहीं लगा। हलदार साहब ने देखा कि एक बूढ़ा मारियल आदमी सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर चश्मा लगाए एक गली से निकल रहा था, और एक बंद दुकान के सामने अपना बांस टिका रहा था। वहीं कैप्टन चश्मा वाला अपना फेरी लगाकर चश्मे को बेचता था। हलदार साहब 2 साल तक इस रास्ते से गए, नित्य प्रतिदिन उन्हें बदले हुए चश्मे ही प्राप्त हुआ। एक दिन हलदार साहब जा रहे थे, उन्होंने मूर्ति जो चश्मे मूर्ति में चश्मा उन्होंने नहीं देखा। जाने के क्रम में मूर्ति में उन्होंने चश्मा नहीं देखा। तब हलदार साहब ने पान वाले से पूछा और बताया कि कैप्टन साहब अपनी दुकान नहीं लगा रहा है, तो पान वाले ने बताया कि वह मर गया होगा। इस पर हलदार साहब उदास हो गए और सोचने लगे कि इस पीढ़ी का क्या होगा जो अपने देश के लिए सर्वस्व लुटाने वालों पर हंसती है। 15 दिन के बाद हलदार साहब उसी कस्बे से गुजर रहे थे। वे सोचे, आज मैं प्रतिमा के पास नहीं ठहरूंगा और पान भी आगे जाकर खाऊंगा। पर वे आदत से मजबूर थे। अचानक उनकी नज़र मूर्ति पर पड़ गई। गाड़ी से उतरकर मूर्ति की ओर तेजी रफ्तार में वे आगे बढ़े और उनके सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। उन्होंने देखा मूर्ति पर सरकार से बनाया गया चश्मा लगा हुआ था, जिसे
शायद बच्चों ने बनाकर मूर्ति पर पहना दिया था। इतनी सी बात पर उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। इसी का सटीक वर्णन स्वयं प्रकाश ने अपनी कहानी नेताजी के चश्मा में किया है। इनकी भाषा में खड़ी बोली तत्सम तद्भव और देशज आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये बच्चों आपकी ये कहानी जो है वह समाप्त हो गई। इसका सारांश मैंने बताया, आप विस्तृत से और पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपको मैं प्रश्नोत्तर बताने जा रहा हूँ।